हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस पार्ट में जो कि हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये उसका पार्ट टू है। लेकिन पार्ट टू करने से पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे सर। और मैं इस बार ये जो सीरीज जीएसटी की ला रहा हूँ, इसमें मैं हमेशा करूँगा सर, जो भी पढ़ाऊँगा पूरा होल सिलेबस नहीं, लेकिन हाँ एक चैप्टर टिल दी एंड मैं हर नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करवाता हुआ जाऊँगा। ठीक है सर, ओके। तो देखो सर, हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करवाता हूँ। देखो दोस्त, हमने सबसे पहले पढ़ा था जीएसटी क्या होता है सर। जीएसटी की फुल फॉर्म हमने देखी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जिसमें हमने समझा कि कोई एक पर्टिकुलर गुड्स नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज नहीं होती, पर्टिकुलर सर्विस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस हो सकती है। फिर हमने बात की कि सर टैक्स क्या होता है, तो हमने कहा सर सबसे पहली बात, टैक्स फीस नहीं होती है, टैक्स एक तरीके का ये कहिए सपोर्ट है गवर्नमेंट को, या फिर ये कहिए कि हम एक चार्ज कह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हमसे लेती है ताकि वो अपने कुछ खर्चे जैसे कि सिक्योरिटी सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, गवर्नमेंट स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या बस ये रेल जैसे सर्विस दी जा रही है उनको वो मेंटेन कर सके। फिर सर मैंने आर्टिकल की बात करी 366(2)(a), जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ जीएसटी की बात करते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जीएसटी का मतलब सर किसी भी चीज़ की सप्लाई से है। अब ये सप्लाई वर्ड क्या होता है, तो मैंने कहा सप्लाई के ऊपर एक चैप्टर है तो हम वहाँ पर डील करेंगे। फिर सर मैंने आपसे कहा इसमें अल्कोहल शामिल नहीं होता है। फिर हमने उसके बाद बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है वो तो हमने नहीं पढ़ना, बस ये समझना है कि भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 265 की बात की थी, जहाँ पे लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ है, उन्हें पावर दी जाती है कि भैया आप टैक्स ले भी कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका आर्टिकल 246 आया, जो कि कहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग टैक्स को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, या फिर चार्ज करना होता है। फिर ये शेड्यूल सेवन में हमने थ्री लिस्ट की बात की, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आती थी। तो यूनियन लिस्ट में हमने कहा कि पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट में पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कंकरेंट लिस्ट में पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओवरराइड कर सकती है। जहाँ पे मैंने आपको एक और मीनिंग दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके कोई भी लॉ पास करते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक मैंने आपको पिछले पार्ट में डिस्कस करके बता दिया है, ठीक, ओके। उसके बाद सर एक चीज़ और रह गई थी बताना, आर्टिकल 370 यहाँ पे रिवाइज कर लेते सर। सर 370 ये कहता है कि ये भारत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन आर्टिकल 370 कहता है कि कोई भी लॉ अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पे लगा रहे हो तो वो भी करने से पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट बॉडी है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने आपसे थोड़ा सा और डीप में बात की कि 5 इसके एक्सेप्शन हैं। मान लीजिए कोई भी करेंसी है, जैसे मोदी जी ने 500 का नोट बंद करके 2000 का चालू कर दिया, तो इस केस में जम्मू एंड कश्मीर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कितने डिफेंस में कितनी सिक्योरिटी रखनी है नहीं रखनी है इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कब कैसे कहाँ करवाने ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन करेंसी में क्या रेट रहेगा नहीं रहेगा, क्या सर्विस दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। और टेली कम्युनिकेशन जैसे जियो सिम या फिर पतंजलि बाबा अपना सिम ला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें पूछने की ज़रूरत हमें जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है। तो फाइनली सर विद इन अ 4 मिनट मैंने आपका रिविज़न करवा दिया सर कि हमें क्या क्या पढ़ना था। तो सर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास ही है, लेकिन अभी इसमें सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा, नोट। नोट क्या है सर, एक बार लिखते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू टैक्स आर आइदर गिवन इन यूनियन लिस्ट, इन यूनियन लिस्ट और दे आर गिवन इन स्टेट लिस्ट। फिर आगे लिखिए सर, नो मैटर रिलेटेड टू टैक्स इज गिवन इन करंट लिस्ट, ठीक है सर। अब ये लिखा क्या सर, ये समझा भी दो एक बार बाबू। ये मैंने लिखा है कि मान लो टैक्स लगाना है, ठीक है, तो टैक्स लगाने का मुद्दा या तो यूनियन लिस्ट में दिया जाएगा या तो स्टेट लिस्ट में दिया जाएगा।
कंकरेंट लिस्ट में कभी भी कोई भी टैक्स कलेक्शन और टैक्स लेवी से रिलेटेड मुद्दा नहीं होता है। ये मैंने आपको एक नोट लिखवाया सर, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है, क्या कंकरेंट लिस्ट में पावर होती है टैक्स को लेवी या कलेक्ट करवाने की? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब सर मैं आपको क्या कराने वाला हूं, मैं देखो आपको कुछ लिस्ट लिखवाऊंगा, ठीक है? ये यहां पर तक तो हम कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ लिस्ट लिखवाऊंगा, ठीक है? वो लिस्ट होंगी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करने की और लेवी करने की। फिर मैं आपको लिखाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी पावर है, कौन से आर्टिकल में टैक्स कलेक्ट करने की, नहीं करने की। फिर ये पार्ट वन होगा, फिर अभी वाला पार्ट टू होगा, पार्ट थ्री में मैं ये बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया कि आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। फिर जीएसटी से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी, ऐसी बातें हम जो होंगी वो पार्ट थ्री में करके इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, 3 to 4 पार्ट्स में। तो ये पार्ट टू है आपका, ठीक है? तो मैं आपको कुछ लिस्ट बता रहा हूँ सर, तो आप लिखिए सर यहाँ पे टैक्सेस मेंशनड मेंशनड इन यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट किसके पास होती है सर? तो आप बगल में लिख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर होती है, ठीक है? कौन कौन से हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर यूनियन लिस्ट में जिसकी पावर है टैक्स कलेक्ट करने की? तो सर इसमें सबसे पहला आप लिखोगे एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 सर किससे रिलेटेड है? ये कहता है इनकम टैक्स ऑन ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स सर, ऑल इनकम्स है लेकिन मैं वर्ड लिखूंगा डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है? एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, कि एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर बाकी जो भी डायरेक्ट इनकम है उस पर आप इनकम टैक्स लगा सकते हो। ये एंट्री नंबर टू आपसे कहता है, कौन सा कहता है? एंट्री नंबर 82 कहता है आपसे कि किसी भी इनकम टैक्स, इनकम पर आप इनकम टैक्स लगा सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। ये एंट्री नंबर 82 है, और ये पावर किसके पास है सर? यूनियन लिस्ट में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके गुड, अच्छा जी और बताइए सर, मजा आ रहा है, सिखाइए। आगे है सर एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 सर ये क्या है? सर ये बात करता है कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी का मतलब सुना सुना लग रहा है, कुछ और भी बता दो सर। सिंपल वर्ड में बताता हूँ, मान लो ये आपका इंडिया है, इंडिया से कोई भी चीज़ लाई जा रही है या भेजी जा रही है, कहाँ सर? आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, ठीक है सर? तो उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ओके, तो ये भी पावर किसके पास होती है? यूनियन लिस्ट में होती है। दिस इज द टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इन वेरी फ्यू केसेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू डिस्करेज एक्सपोर्ट। सर इंग्लिश नहीं समझ में आई सर, बिल्कुल नहीं समझ में आई, हिंदी में समझाओ बाबू। वो यही कह रहा है कि आपको कस्टम ड्यूटी लगानी है जब भी बाहर से कोई सामान आता है या सामान बाहर भेजा जाता है। लेकिन सर इसका जनरल रीजन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट आपका, कि भैया 90% केसेस में हमारी भारतीय गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करें, क्या करें? एक्सपोर्ट करें, और इम्पोर्ट पे वो कहीं ना कहीं रोक लगाती है कि भैया लाओ कम भेजो ज़्यादा, ठीक है? लेकिन एकाध सामान ऐसे है जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि यार ये चीज़ें मत करो, मत भेजो, वरना हमारे भारत को नुकसान हो सकता है, ठीक है सर? यही बात मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख के बता दी, ठीक? ओके, अब सर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, वो उसके लिए सर थोड़ा सा और मुझे डीप में बताना होगा आपको, रुकिए मैं बताता हूँ सर। एक होता है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट, थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ सर मैं इसे, एक होता है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या होता है सर? एक आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है? अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के एग्जांपल क्या है सर?
आपका जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, या फिर आप ये कहो आपका जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब समझना यहाँ पे, कि मान लो दिल्ली से पंजाब में माल भेजा गया, गुड्स को बेचा गया, सोल्ड। अभी आप सप्लाई वर्ड ना सीखे, सोल्ड सीखे। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है, जहां पे गुड्स पहुंचेगा, समझिए जहां पे गुड्स पहुंचेगा वो वाली स्टेट क्या करेगी, उस गुड्स के टैक्स को कलेक्ट करेगी। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, इससे पहले अभी जो चल रहा था कुछ समय पहले, अब वो आपका चल रहा था सर ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ये कहता है कि भैया जो, अब मान लो इस केस में क्या था, दिल्ली और पंजाब का ही केस लेते हैं, कि अगर दिल्ली ने सेल किया तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करेगी, तो हम इसे बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो सर जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे गुड्स भेजा जाएगा, ठीक है, और जहां पे गुड्स रिसीव हो रहा है, जहां पे रिसीव हो रहा है वो गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करती है तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और जो गवर्नमेंट भेज रही है, जो एरिया, जो लोकेशन जहां से भेजा जा रहा है, जहां से भेजा जा रहा है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स, अगर वहां की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा एक नोट लिखवाना चाहूंगा आपको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के ऊपर, यहां पर आप लिख लीजिए। लेकिन सर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सर इसके बारे में लिखिए जरा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, अंडर दिस प्रिंसिपल टैक्स इज कलेक्टेड कलेक्टेड बाय स्टेट और या फिर आपको कंट्री वेयर दी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस इज लोकेटेड। ठीक है सर, ओके। और एग्जाम्पल भी सर इसके आप लिख लेना, आपका जीएसटी या फिर आप कहिए कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर, गुड। और सर इसी का एक भाई होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स को मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, और वो मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री नंबर 92A, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिखाना था इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे कर रहा था। तो ये हमने सीखा क्या, सर एंट्री नंबर 83 हमने अभी यहाँ पे सीख ली। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं सर एंट्री नंबर 84 की। सर एंट्री नंबर 84 किस पे है, सर ये कहता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब होती है सर, जब भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे आपने कोई भी मोबाइल बनाया या फिर लैपटॉप बनाया, तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो भी टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे दिस इज अ टैक्स चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने की पावर, लेवी करने की पावर यूनियन लिस्ट में होती है। यहाँ पे सर एक वर्ड लिखिएगा एक्सेप्ट, छोड़कर। कुछ चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं सर, सर पहली है अल्कोहल, अल्कोहल सर स्पेलिंग ठीक कर लेना आप अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो। ओपीएम, ओपीएम ओपीएम मतलब होता है सर अफीम। ठीक है,
अब सर ये सब मत पूछना क्या क्या होता है, बस ये समझो गंदी गंदी चीज़ें होते हैं, इसे लेने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, बस ये समझो ठीक। उसके बाद सर हैम्प, हैम्प मतलब होता है सर भांग, ठीक है ओके। डी सर नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब चरस गांजा, ठीक है। और फिर एक होता है सर ई, नारकोटिक्स ड्रग्स, मतलब ये कहो ऐसी दवाई, ऐसी दवाई जिससे नशा हो, नशा हो। सर इन चीज़ों को अगर आप बनाओगे तो आप पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन लिस्ट नहीं अप्लाई होगी, स्टेट लिस्ट अप्लाई होगी। मैं थोड़ी देर में आपको लिखाऊंगा कि उस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, ठीक है सर। ये एक एक्सेप्शन आप लिख लेना, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी वाला रूल, मैंने आपको ये भी सिखा दिया, गुड। इस पे सर एक छोटा सा नोट आपको लिखवाना चाहूँगा, लिखिए नोट, नोट ऑन टॉयलेट या फिर आप कहिए मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, मतलब दवाई आप बना रहे हो या कोई टॉयलेट का प्रोडक्ट बना रहे हो, हैविंग जिसमें कि होता है अल्कोहल, अल्कोहल, एक्साइज ड्यूटी इज टू बी चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कौन चार्ज करेगा, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी सर। कब? जब किसी भी प्रोडक्ट में, टॉयलेट का प्रोडक्ट हो, मेडिकल प्रोडक्ट हो, उसमें अगर अल्कोहल यूज़ हो रहा है तो। अदरवाइज अद्धा पौवा पार्टी शार्टी जो आप अल्कोहल यूज़ करते हो उसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है सर ओके गुड। देखिए सर ये हमने सीखा यूनियन एक्साइज ड्यूटी ओके। अब इसके बाद सर अगला लिखिए, लास्ट आपको लिखवा रहा हूँ सर, लास्ट मतलब यूनियन लिस्ट में लास्ट, एंट्री नंबर 92A। सर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में ये बताता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। ये क्या है सर? ये कहते हैं मान लो सर कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसे दिल्ली से हरियाणा भेज रहे हो, ठीक है सर। तो आपने जो भी गुड्स है उसे जब आपने सोल्ड किया, ठीक है सर, अब तो वर्ड सप्लाई आ गया है लेकिन अभी आप, मैं सोल्ड लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल को हम सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं। मतलब जब दो सिटी के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो हम उसको इंटर स्टेट सेल कहते हैं। अभी एक इंट्रा आएगा तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे अभी, ठीक है। ये यहाँ पे इतना ही है। अब यहाँ पे जो रूल लगता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। और अभी मैंने आपको एक बताया था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, जहाँ पर भेजा गया। और ये क्या कहता है? जहाँ पे उसका जन्म हुआ, जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, वहीं वही गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करती है। ओके इसके बारे में लिखिएगा सर थोड़ा सा, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेट एंड टर्मिनेट्स, व्हेन टर्मिनेट्स इन अनदर स्टेट, व्हेन टर्मिनेट्स इन अनदर स्टेट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये पहले पुराने वाले सिलेबस में हुआ करता था, अभी आपका टैक्स का सिलेबस चेंज हुआ है 2-3 अटेम्प्ट पहले, तो उसमें हम सिखाते थे कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा होना चाहिए कि एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में माल गया, गुड्स जो है वो ट्रांसफर हुआ, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन सेल ऑफ देन सेल इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। तो आप उसे इंटर स्टेट सेल का नाम देते हो। अब इसमें खास बात क्या होती है कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? वो गवर्नमेंट जिसने ये ट्रांजेक्शन, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसको हम ओरिजिन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। ओके अब इसमें ही लिख लो सर आप साथ में मेरे, ऑन इंटर स्टेट सेल, सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट फ्रॉम वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड. तो इस केस में क्या हो जाएगा सर? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है सर, आपको समझ में आ गया शायद इसका मतलब कि भैया वही जो गवर्नमेंट है रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और यूटिलाइज करेगी जहां से गुड्स की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, ओके. तो सर इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बेस्ड टैक्स. सर एग्जाम में नहीं आएगा और ये आपसे पूछेगा भी नहीं कोई, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओरिजिन बेस्ड टैक्स और इस टैक्स में क्या अंतर होता है. ठीक है, ओके, गुड. अब सर इतना काफ़ी है. अब देखो मैंने इस पार्ट में क्या पढ़ाया, पहले तो मैं अपने पार्ट जो पढ़ाया है मैंने इस पार्ट में डिस्कस किया है उसके बारे में बता दूं. अब तक मैंने आपसे जो डिस्कस किया उसको मैं यूनियन लिस्ट की एंट्रीज कहूँगा कि यूनियन लिस्ट में टैक्स कलेक्ट करने की कौन कौन सी एंट्री है. तो अब तक जो इस पार्ट का नाम था आप डाल देना, टैक्स कलेक्ट करने वाली एंट्री बाय यूनियन लिस्ट. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में मैं क्या बताऊंगा आपको, स्टेट लिस्ट, कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी एंट्री हैं जो कि स्टेट लिस्ट को पावर देती है टैक्स को कलेक्ट करने के बारे में. ठीक है सर, ओके. इससे पहले एक छोटी सी बात और बतानी है, मैं आपको एक और एंट्री बता दूं, एंट्री नंबर 97. ठीक है सर, ये बता दूं इस पार्ट के लास्ट में. आप लिखो सर, दिस इज रेसिडुअल कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू अप्लाई एनी टैक्स विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट. सर ये क्या मतलब हुआ? सर एंट्री नंबर 97 पावर देती है हमारे किसको सर? संविधान को. कि मान लो अगर कहीं कोई टैक्स की एंट्री डालनी रह गई, मान लो आप इस पार्ट में और अगले पार्ट में एंट्री सीख रहे हो और मान लो जीएसटी की एंट्री तो थी नहीं, तो सर हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि आपको लगता है कि कहीं और से भी टैक्स कलेक्ट हो सकता है तो आप वो एंट्री, यहाँ 97 पावर देता है कि आप नई एंट्री भी क्रिएट कर सकते हो. तो इसको नाम दिया जाता है हमारी रेसिडुअल एंट्री. ठीक है सर, इसके बाद देखो सर फ्रेम समझो. सर मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका नाम चल रहा है बेसिक. ठीक है, बेसिक में पहले तो हमने मीनिंग समझा, फिर नेक्स्ट इस पार्ट में हमने यूनियन लिस्ट और उसकी एंट्री सीखी. अब सर जो पार्ट थ्री होगा वो होगा हमारा स्टेट लिस्ट और उसकी एंट्री, और उसके बाद पार्ट थ्री के बाद जो पार्ट फोर होगा उसमें हम सर प्योर जीएसटी के बारे में बात करेंगे और उसके इम्पोर्टेंस और उसके बारे में बात करेंगे. तो ओवरऑल ये फोर पार्ट्स का सेट हो गया. ठीक है, फोर पार्ट्स का सेट हो गया कि आपको कैसे करना है क्या करना है. सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिए है. आपको कुछ भी कांटेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो. बट सर एक टाइमिंग थोड़ा सा मेंशन रखिएगा कि ऑफिस के टाइम में कॉल कीजिएगा. रात में कुछ पागल बच्चे होते हैं, मतलब रात को 11-11 बजे कॉल कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा. और सर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू.